दोस्तों, चांद की सतह से लेकर चांद के वायुमंडल तक तथा चांद की मिट्टी से लेकर चांद पर पानी की मौजूदगी तक सभी इंसानों के लिए रहस्यमय रहा है। चंद्रमा के इन रहस्यों को सुलझाने के लिए इंसानों ने कई मून मिशन भी किए हैं, परंतु हर बार कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठता है जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अमेरिका ने 16 जुलाई सन 1969 को चांद पर मिशन भेजा था, जिसका नाम था अपोलो 11 मिशन। चांद की सतह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज एल्ड्रिन 8 दिनों तक चंद्रमा पर रहे थे। इसके बाद जब वह 24 जुलाई सन 1969 को वापस धरती पर लौटकर आए, तो वह अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आए थे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य की तरह थी। वे लोग चंद्रमा से मून डस्ट यानी चांद की मिट्टी लेकर आए थे। वैज्ञानिकों ने जब चांद की मिट्टी वाले कार्गो को खोला तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, चांद की उस मिट्टी में आखिर ऐसा क्या था, इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स बर्ड में। दोस्तों, नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह से मिट्टी लाने के लिए खास कंटेनर दिए गए थे। ये कंटेनर एल्युमिनियम के बने हुए थे और पूरी तरह से सील थे। चांद के लो प्रेशर को ध्यान में रखकर इनको डिजाइन किया गया था। दोनों अंतरिक्ष यात्री इन कंटेनरों में करीब 22 किलो से अधिक चांद की मिट्टी लेकर धरती की तरफ रवाना हुए थे। धरती पर आने के बाद जब कंटेनर को खोला गया तो सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। जिस कंटेनर में मून डस्ट यानी चंद्रमा की मिट्टी को लाया गया था, वह पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। विशेष डिजाइन के बाद भी कंटेनर मून डस्ट को नहीं झेल पाया। सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर काफी शोध किया, जिसके बाद वह हैरान हो गए। दरअसल चांद की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी की तरह नहीं थी, यह एक तरीके से शीशे के पाउडर की तरह थी। नासा के मंगल मिशन में शामिल रही अंतरिक्ष यात्री केन ग्रीन ने अपने एक आर्टिकल में लिखकर बताया कि चांद की सतह पर लाखों उल्कापिंड की टक्कर हुई थी, जिसके बाद मून डस्ट का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया, इसमें सिलिका और आयरन की तरह मेटल मिलते हैं। चांद की सतह पर ना के समान पानी है और यहाँ हवा भी नहीं है। इस स्थिति में मून डस्ट बेहद शार्प होता है। दोस्तों, चांद की मिट्टी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1972 में नासा के अंतरिक्ष यात्री हैरिसन स्मिथ की जान इसके कारण खतरे में पड़ गई थी। जब वह चांद पर घूमने के बाद अपने अंतरिक्ष यान में वापस आए तो उनके स्पेस सूट में मून डस्ट चिपक कर अंदर आ गई। गलती से सांस के साथ वह उनके अंदर चली गई। इसके कुछ क्षण बाद ही स्मिथ की आंखें लाल हो गईं और उनकी नाक से पानी गिरने लगा। वह बीमार पड़ गए और किसी तरह उनकी जान बची। दोस्तों, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के मुताबिक चांद की मिट्टी इतनी खतरनाक होती है कि यदि यह इंसान के शरीर के अंदर एक चम्मच भी चली जाए तो 90% फेफड़ों को कुछ ही मिनट के अंदर खराब कर सकती है। दोस्तों, हम इंसानों ने एक लंबे समय से चांद पर मानव बस्ती बसाने की कल्पना की है। किसी भी ग्रह पर मानव जीवन जीने के लिए उस ग्रह पर पेड़ पौधों का होना बेहद आवश्यक होता है। अब ऐसे में वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर एक परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने चांद की मिट्टी पर एक पौधा उगाने का प्रयास किया। आपको बता दूं, चांद की मिट्टी में पृथ्वी की मिट्टी की तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद की इस मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स और पानी मिलाकर इसमें बीज बोए और इसके 2 दिन बाद ही बीज अंकुरित हो गए, परंतु ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अन्नालिसा पॉल ने चांद की मिट्टी पर उगाए गए पौधों के नतीजों पर एक रिसर्च पेपर लिखा। अन्नालिसा बताते हैं कि चांद की मिट्टी में उगाया गया हर एक पौधा करीब 6 दिनों तक एक जैसा था, लेकिन जल्द ही इनको लेकर मुश्किलें सामने आईं। चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे कमजोर दिखाई देने लगे और बहुत धीमी गति से इनका विकास हुआ और अंत में ये पौधे खत्म हो गए। दोस्तों, इससे यह बात तो स्पष्ट है कि चंद्रमा की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी की तरह उपजाऊ नहीं है, परंतु हो सकता है भविष्य में हम कोई ऐसी तकनीक खोज निकालें जिससे चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। अब देखना यह है कि भविष्य में हम कभी चंद्रमा पर पौधा उगा पाएंगे या हमारी यह कल्पना बस कल्पना ही रह जाएगी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।